ये विजन का टेस्ट नंबर टू है जो कि पॉलिटी रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिगार्ड्स टू इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। तो पहला सही है कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश द टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। तीसरा कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो टू गलत है क्योंकि द बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। आर्टिकल 112 देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑन द बजट टू डिस्टिंग्विश रिसिप्ट ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर रिसिप्ट। दूसरा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि मिनिस्टर आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। एंड दूसरा कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तीसरा है कि कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में कि दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। दूसरा गलत है क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर लोकसभा अप्रूवल फॉर एस्टेब्लिशमेंट और डिसकंटिन्यूएशन। एस्टेब्लिशमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कैबिनेट कमिटी कैन बी डन बाय प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर फोर है कि द टेन्योर टू द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। तो टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर परमानेंट डिसॉल्यूशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर ऑफ द टर्म। तो दो गलत है क्योंकि इट कैन नॉट बी डिजॉल्व बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ इट्स टर्म। इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट लॉ। पांचवा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये ब्यूरोक्रेसी होगा। सिक्स है कि द पावर ऑफ द राज्यसभा इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फिर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फिर अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि इट रिफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग ऑफ अ हाउस विदाउट नेमिंग अ डे ऑफ असेंबली। दिस पावर लाइज विद द प्रेसाइडिंग ऑफिस ऑफ द हाउस। द प्रेसाइडिंग ऑफिस कैन स्टिल कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग दिस पावर। इसको कहेंगे एडजर्नमेंट साइंड इन। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर्स आर अवेलेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, फिर वॉक पॉकेट वीटो। ठीक है, देयर इज नो क्वालिफाइड वीटो। नाइन्थ है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द हाउस इंक्लूडिंग द प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जो कि कोरम कहते हैं, जो कि 55 होगा लोकसभा के लिए, 25 होगा राज्यसभा के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकॉन्सिडर एडवाइस गिवन टू हिम। दूसरा है कि ही कैन रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू ऑर्डिनरी बिल्स पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। तीसरा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ अ हंग असेंबली। ठीक है, 11th है काउंसिल ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में कि द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एज वेल अ फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन। तो ये सही है। दूसरा गलत है कि द काउंसिल इज हेडेड बाय मेयर, ही इज असिस्टेड बाय डेप्यूटी मेयर, ही इज इलेक्टेड इन अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट फॉर अ 1 year रिन्यूएबल टर्म। तो एक साल का ही होता है। फिर विद सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में कि जो सैलरी एंड पेंशन है जज का सुप्रीम कोर्ट का, वो चार्ज किया जाता है अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सही है। फिर तीसरा सही है कि द पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज टू कर्टेल द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दो गलत है क्योंकि द सैलरीज अलाउंस एंड फर्स्ट गलत है क्योंकि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी itself. The Constitution has made the following provision of safeguard. तो उसमें से एक है कि the judges of the Supreme Court are appointed by the President. फिर 13th है कि which of the following committees recommended a three-tier पंचायती राज system. तो बलवंत राय ने किया, गडगिल कमेटी ने किया और पी के थंगटन कमेटी ने किया, जबकि अशोक मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया था कि 3 tier को 2 tier से रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफिस ऑफ CAG और सैलरी ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, और
जो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जो वो चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द टर्म ऑफ 5 ईयर्स फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। दो गलत है, क्योंकि गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द स्पेसिफिक टर्म एंड शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल द सक्सेसर एज्यूम्स द चार्ज। दिस प्रोविजन इज इन लाइन ऑफ आर्टिकल 153 विच स्पेसिफाइज दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 69 टेंथ स्केड्यूल के बारे में कि ही वॉलेंट्रीली कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है 10th स्केड्यूल के अंदर। तो इफ यू वॉलेंटरली गिव अप सम मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। दूसरा कि इज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली एंड ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, दोनों केस में। और ही हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ फॉर एनी ऑफेंस इन रिलीजन रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years। दिस क्राइटेरिया इज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन इज मेंशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, नॉट अंडर 10th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए वन गलत है। जो ऑर्डिनेंस पे मेकिंग पावर में है कि अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इन कूपर केस 1970 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ मालाफाइड, तो चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा कि द प्रेसिडेंट सजेस्ट सेटिस्फैक्शन इज जस्टिसेबल ऑन ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड हेंस स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। एंड इफ पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन एट ऑल द ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द री असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। द पीरियड ऑफ 6 वीक इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेज। दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ एंड 6 वीक। If an ordinance is allowed to lapse without being placed before Parliament, then the acts done and completed under it before it ceases to operate remains fully valid and effective. ठीक है, इसलिए दोनों गलत है यहाँ पे। फिर 18 है पॉलिसी कट मोशन, क्या होता है इसमें रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड टू ₹1। इकोनॉमी कट हुआ जिसमें रिडक्शन हुआ अमाउंट ऑफ डिमांड बाय स्पेसिफिक अमाउंट। और टोकन कट हुआ जबकि इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय ₹100। बाय ₹100 नहीं, 2 ₹100 नहीं होगा, बाय ₹100 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्या है क्वालिफिकेशन राज्यसभा का? तो पहला है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड स्टेटमेंट इज वन करेक्ट। ही मस्ट नॉट बी यू मस्ट बी नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज इन द राज्यसभा, नॉट लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज इन द लोकसभा। एंड ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर ऑफ फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। इन 2006 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस चेंज। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ SC और ST इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द इफ ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर दैम। However, a member of SC or ST can also contest a seat not reserved for them. तो 2006 में बोला कि he must be registered as an elector for parliamentary constituency. तो इसलिए in 2006 Supreme Court ने अपील किया validity, इसलिए statement 3 जो है वो गलत है। फिर next है कि chief minister of state के बारे में कि a person who is not a member of the state legislature can be appointed as the chief minister. उसका उसके पास 6 month होता है किसी भी हाउस का मेंबरशिप लेने का। फिर दूसरा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सही है। फिर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये आता है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग सॉरी 21 हाँ। तो द हाई कोर्ट आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स व्हेन द फंडामेंटल राइट फॉर सिटीजन ऑफ वायलेट द एग्रीड पार्टी हैज़ द ऑप्शन ऑफ मूविंग इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूड्स डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, हेंस ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। फर्दर दिस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग, जैसे कि इंटर वाटर डिस्प्यूट, मैटर रिलेटेड टू फिनांस कमीशन,
adjustment of certain expenses and pension between center and state, the ordinary dispute of commercial nature between center and state. Hence, option 4 is also not correct. फिर joint sitting in the parliament हो गया के बारे में कि joint sitting जो है is an extraordinary machinery provided by the constitution article 108 to resolve a deadlock between the two houses over the passage of a bill. ठीक है, तो इसलिए statement 1 correct नहीं है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया ना कि रूल ऑफ प्रोसीजर में. स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसाइड्स ओवर जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउस एंड द डेप्यूटी स्पीकर इन हिज एब्सेंस. तीसरा गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड दैट द जॉइंट सेटिंग न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज्ड एक्सेप्ट इन टू केसेस. पहले की जो कि फाइनल those amendments that have caused final disagreement between the house or those amendments that might become necessary due to delay in the passage of the bill. Then next I give it reference to Metropolitan Planning Committee. Members elected to the Metropolitan Planning Committee are chosen from panchayats and municipalities within the metropolitan area. Okay. The act lays down 2/3 of the member of the Metropolitan Committee should be elected by the elected members of the municipality and chairperson of the panchayats in the metropolitan area from amongst themselves. Hence, statement 1 is correct. For the chairperson of such committee shall forward the development plan to the state government. Hence, statement 2 is not correct. Number 24 hai, kaun sa money bill nahi hai? Toh, the president is not correct about the money bill. So, इसमें होगा कि द प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑन द सर्टिफिकेशन ऑफ अ बिल एज अ मनी बिल एंड आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल डील्स विद डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल. इट डील्स इफ इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद इम्पोजिशन अबॉलिशन रेमिशन अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट. फिर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और डिक्लेरेशन ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द रिसीप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट. Hence, option A is correct. It can be introduced only on recommendation of the president. Its defeat in Lok Sabha leads to resignation of the government. Hence, option B and C is correct. Or, if any question arises whether a bill is money bill or not, the decision of the speaker of the Lok Sabha is final. His decision in this regard cannot be questioned in any court of law or in either house of parliament or even the president. इसलिए D गलत है. 25 good member of Raj Sabha. The constitution has adopted proportional representation in case of Raj Sabha. It has not preferred the same in case of Lok Sabha. Instead, it has adopted the system of territorial representation for the elected members of the Lok Sabha. Hence, statement 1 is not correct. With the number of members to be elected from each state has been fixed by the fourth schedule of the constitution. Hence, option 2 is correct. When the president nominates 2 members from the Anglo Indian community if the community is not adequately represented. जो पर्व्यू है पंचायत का एज पर 11 स्केड्यूल उसमें आएंगे रूरल हाउसिंग वोकेशनल एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ये सब है. फिर 27 है कि ग्राम सभा के बारे में तो जो ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम. इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज कंपराइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल. दस इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ अ पंचायत.
इट मे बी एक्सरसाइज इट मे एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट स्टेट डिटरमाइंस एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। फिर 28 है कि विद रेफरेंस टू द अपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का, इट इज़ एप्लीकेबल टू इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल या फिर क्रिमिनल मैटर। आर्टिकल 136 द सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कोर्ट, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, हैंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। इट मे बी रिलेटेड इसलिए स्टेटमेंट वन करेक्ट है, फिर इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल क्रिमिनल इनकम टैक्स लेबर रेवेन्यू एडवोकेट्स एक्सेट्रा एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। फिर इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड नॉट नेसेसरी अगेंस्ट अ हाई कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, इसलिए स्टेटमेंट थ्री इज नॉट करेक्ट। फिर नेशनल पार्टी के बारे में कि कौन सा होगा, वो जिसके पास जो सिक्योर करता है 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 स्टेट इन द लोकसभा इलेक्शन और जो कि 5 सीट्स जीतता है लोकसभा में, ठीक है, या फिर इफ ही विंस 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एट अ जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स, या फिर वो एक स्टेट पार्टी है रिकॉग्नाइज 4 स्टेट्स में, ठीक है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है कि आर्टिकल 263 के अंदर इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और द काउंसिल कैन डील with any controversies whether legal or non-legal but its function is advisory and likely that of the court which gives a binding decision, ठीक है, और ये permanent office नहीं है, the it is not a permanent institution rather an ad hoc one, so statement one is wrong। फिर 31 है कि president का pardoning power article 72 के अंदर है, empowers president to grant pardon to persons who have been tried and convicted of any offences in all cases where punishment of or sentence is for an offence against Indian law, punishment or sentence is by a court martial that is military court and the sentence is a sentence of death। With 30 under 100 article 161 of the constitution the governor of state also possesses pardoning power, theek hai। नेक्स्ट नंबर 32 है कि लीडर ऑफ द हाउस के बारे में कि द हाउस ऑफ द लीडर इज ऑफ द हाउस इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ हाउस, द लीडर ऑफ द हैंड स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, कि द लीडर ऑफ द हाउस इज ईदर इन ईदर हाउस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी एंड एक्सरसाइजेज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये नॉमिनेट कर सकते डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। फिर 33 है कि जो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अ कास्टिंग वोट क्या होता है, तो रिफर्स टू वोटिंग पावर एक्सरसाइज बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिस ऑफ अ हाउस इन केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स। फिर 34 है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में कि इट इज़ मैंडेटेड फॉर एवरी स्टेट टू कंस्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट है, उसने ऐड किया पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, this part is entitled as the municipalities and consists of provision from article 243 p to 243 jg district planning committee jo hai ye the act mandates that every state shall constitute at the district level a district planning committee to consolidate the plans prepared by panchayats and municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole, isliye statement 1 is correct। 4/5 of the member for district planning committee should be elected by the member of the district panchayat and municipality and the district from amongst themselves, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि the presiding references under article 143 and are decided by a bench consisting of at least 5 judges, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है और या फिर रेफरेंसेस है जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया अंडर आर्टिकल 43 वो डिसाइड किया जाता है बाय बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 बेंचेस एंड स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। 36 विद रेफरेंस टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द फास्ट पोस्ट सिस्टम, इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन
वोटर्स यूजुअली एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी एंड नॉट अ कैंडिडेट. जबकि नंबर टू है कि इन FPT सिस्टम अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर. इन PR सिस्टम एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स दैट इट्स गेट्स. तो हैंड स्टेटमेंट इस टू इज नॉट करेक्ट. फिर इन FPT सिस्टम कैंडिडेट हु विन्स इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी दैट इज 50%+1 वोट्स. इन PR सिस्टम कैंडिडेट्स हु विन इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स. हैंड स्टेटमेंट थ्री इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का. तो द रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी पास बाय द स्टेट असेंबली विद स्पेशल मेजोरिटी. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है पावर पार्लियामेंट को टू क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट. ठीक है, इसलिए दोनों गलत सही है. फिर 38 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. योगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिसाइडिंग ऑफिस ऑफ द हाउस. ये दोनों ठीक है. फिर 39 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर. तो इंडिया में प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर बाय वारंट एंड हिज हैंड एंड सील. और जो अपॉइंटमेंट है ऑफ वन पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट वाज प्रोवाइडेड अंडर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956. फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर या फिर वेस्टिंग रेसिडरी पावर विद द सेंटर एक्सेट्रा प्रोविजन विच आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट. फिर 40 है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कि नो प्रेसिडेंट हैज बीन सो फार इम्पीच्ड फ्रॉम हिज पोस्ट. स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है. स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट क्योंकि द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाई द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. दीज चार्जेस शुड बी साइन बाई 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस एंड अ 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन. फिर दूसरा गलत है क्योंकि द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन. फिर 41 है पब्लिक अकाउंट के बारे में कि इट इंक्लूड्स जुडिशियल डिपॉजिट्स सेविंग बैंक डिपॉजिट्स डिपार्टमेंट डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंसेस. इट इज़ ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल. स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बिकॉज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आर्टिकल 266(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. फिर 42 है कि विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट और रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा. तो दस इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू इधर द यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा इज नेसेसरी. इसलिए स्टेटमेंट थ्री गलत है. सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफन सीन इन द न्यूज ड्यूरिंग इलेक्शन रिलेट्स टू कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल्स एंड डिसमिनेशन ऑफ द रिजल्ट. 44 है कि कौन सा गलत नहीं है. तो गलत है इज नॉट करेक्ट. तो दोनों गलत है. तो एज पर आर्टिकल 75 अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर. फिर फॉर सच मिनिस्टर फ्रॉम द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट टू द टाइम ऑफ इलेक्शन ही कैन अटेंड द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट. एक्सक्यूज मी. दूसरा है कि आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन. इन 1971 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस. आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी एंड देयरफॉर द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर विदाउट एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. एंड टू इज नॉट करेक्ट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन एंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर. तो पहला सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. दूसरा है कि हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज. तीसरा है कि सैलरी एंड अलाउंसेस चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. फिर 46 है कि विद रेफरेंस टू द जुडिशियल रिव्यू इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पहला. दूसरा कि द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में.
और तीसरा गलत है क्योंकि हैज द पावर जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी कर्टेल और एक्सक्लूडेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इन इंडिया ऑन द अदर हैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशियरी बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि टू रिजोल्यूशन है टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा अलोन। ठीक है, और ही कैन बी रिमूव बाय रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड एग्रीड टू इट बाय द लोकसभा विद अ सिंपल मेजोरिटी। नोटिवली नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। फिर 48 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन लोकसभा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट से रिलेट करता है, दूसरा डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेट करता है, तीसरा क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस। फिर कन्फर्स ऑन द प्रेजिडेंट द पावर टू डिलिमिट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। तीसरा एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फॉर असेंबली एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेम्बरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेट करता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 रिलेट करता है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन से। ये 49 है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट क्योंकि इलेक्शन ऑफ इंडिया कैन बी इधर बी अ सिंगल मेंबर मल्टी मेंबर बॉडी टिल 1989 इलेक्शन कमीशन वॉज अ 49 का हुआ कि स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट क्योंकि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज एग्रीड टू बाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन 1968। द इलेक्शन कमीशन फर्स्ट इफेक्टिवली पुट टू यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब, तो इन द ईयर 1991 टू एंश्योर फेयर इलेक्टोरल इलेक्शन एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट क्योंकि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड by a model code of conduct evolved by the election commission on the basis of consensus among political parties. Statement 3 is not correct because the election commission normally announces the schedule of election in a major press conference a few weeks before the formal process is set in a motion. फिर 50 है कि विथ रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन हैव इक्वल पावर टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू इलेक्शन। ये सही है, वन गलत है क्योंकि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इधर बी अ सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी क्योंकि टिल 1989 द इलेक्शन कमीशन वॉज अ सिंगल मेंबर। फिर स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि दे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर 51 है कि सेंसर मोशन इन द लोकसभा, उसके बारे में इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा और इट इसलिए स्टेटमेंट वन करेक्ट है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। फिर 52 है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज, तो पार्टीज लिबरल पार्टीज कौन से होते हैं, तो पार्टीज विच एम एट रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन वो हो गए लिबरल पार्टीज। फिर 53 हो गया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि द वाइस प्रेसिडेंट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो रोल इन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये सही है, और द इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। और दूसरा, इट डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इंक्लूडेड। और 54 है कि फाइनेंशियल पावर गवर्नर का, तो मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विथ हिज प्रायर परमिशन, इसलिए स्टेटमेंट वन करेक्ट है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट विच रिक्वायर्स एन अप्रोप्रिएशन। फिर 55 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू हैव स्टेट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, तो यह झारखंड और मध्य प्रदेश, तो करंटली झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा है जहाँ पर ऑब्लिगेशन है ऐसा। फिर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिलेटेड है कि द मेंबर ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड वाइल दोज ऑफ राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और एवरी यूनियन टेरेटरी इज रिप्रेजेंटेड ओनली इन द लोकसभा बट नॉट इन द राज्यसभा। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री गलत है कि इट्स नॉर्मल, जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है। इट नॉर्मली टर्म, नॉर्मल टर्म इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स, मतलब लोकसभा डिसॉल्व कर जाती है। 57 है कि स्पीक ऑफ द लोकसभा का पावर कौन सा है, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं है, तो वो है कि डिसाइड डिसीजन अबाउट वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। फिर दूसरा है कि प्रेसाइडिंग ओवर अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस, ये सब इसका है। 58 है जीरो आवर के बारे में कि जीरो आवर जो है वो मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, मतलब ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। और ठीक है, द जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप। इन अदर वर्ड्स, टाइम गैप जो है बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज नोन एज जीरो आवर। ये एक इंडियन इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीजर एंड हैज़ बीन एग्जिस्टेंस सिंस 1962। ये दोनों हाउस में अवेलेबल है। फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि अ मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ द 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर शैल ओनली बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का 60 क्वेश्चन है कि अ पर्सन मस्ट बी द इलेक्टर ऑफ द असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट कंसर्न इन ऑर्डर टू कंटेस्ट द असेंबली इलेक्शन। दूसरा है कि मेंबर ऑफ एस सी एंड एस टी कैन कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व फॉर दम। फिर 61 है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट किस किस कंडीशन में, तो एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तीसरा प्रेसिडेंट रूल के समय। ठीक है, लेकिन फिनेंशियल इमरजेंसी के समय ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, 61 होगा ये, 61 होगा 62। अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, ये सही है। ठीक है, और द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड कितना, तो विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ सच अ वैकेंसी। फिर है कि सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट इन विथ रिगार्ड टू एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, किस रिगार्ड टू मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेलवे विद इन द स्टेट, दूसरा इन एंसोरिंग कॉम्प्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, तीसरा इन ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर ट्राइबल ऑफ द एस टी इन द स्टेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 64 प्राइवेट बिल के बारे में कि नो प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट इन इंडिया सिंस 1991। स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट करेक्ट क्योंकि अ प्राइवेट बिल इज अ बिल विच इज इंट्रोड्यूस बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट क्योंकि इनफैक्ट ओनली 14 बिल्स हैव बीन बिकम लॉज इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, नो प्राइवेट लॉ हैज बिकम लॉ सिंस 1970। सम ऑफ द प्राइवेट बिल्स विच हैव बीन सक्सेसफुली पास्ड बाय द पार्लियामेंट इंक्लूड मुस्लिम वक्फ बिल 1952, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 1953, इंडियन रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 1955, सुप्रीम कोर्ट बिल 1970 एक्सेट्रा। 65 है कि विथ रिगार्ड्स टू द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ एस सी स्केड्यूल एरिया एक्ट 1996, ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को नॉमिनेट एस टी विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट क्योंकि द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिलेट करता है पंचायत को
रिलेटिंग टू द पंचायत ओनली टू द फिफ्थ स्केड्यूल एरिया विद सर्टन मॉडिफिकेशन. जो ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स विल बी रिजर्व फॉर एसटी. इसलिए स्टेटमेंट टू गलत है. रिजर्वेशन ऑफ एसटी शैल नॉट बी लेस देन वन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है. फिर 66 है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंट्रस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया. दिस इज अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन टू डील विद पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट. फिर 67 है कि विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस बिल प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ यूनियन बजट. इट इज सब्जेक्ट टू ऑल द कंडीशन एप्लीकेबल टू मनी बिल. ये सही है. तीसरा सही है कि इट मस्ट बी पास बाय द पार्लियामेंट एंड गिव एसेंट टू इट बाय द प्रेसिडेंट विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन. वन गलत है क्योंकि द प्रोविजन रिलेटेड टू ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा कंटेंड इन द एप्रोप्रिएशन बिल. इट इज सब्जेक्ट फिनांस बिल इज सब्जेक्टेड टू ऑल कंडीशन एप्लीकेबल टू मनी बिल. ठीक है. नेक्स्ट है 68. अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली. तो पहले वह फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन मद्रास इन 1687-88. दूसरा वो लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन ऑन फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो कि हुआ 1870 में. फिर तीसरा क्या है कि रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वॉज अप्रूव दिस वॉज हैपेंड इन 1907. एंड लास्टली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. ये हुआ था 1935 के एक्ट के अंदर. फिर 69 है कि एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर. एक तरह के जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रोसीडिंग एंड लीगल रेफरेंसेस. दूसरा है कि इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स. ठीक है. स्टेटमेंट टू गलत है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड हैज बीन स्पेसिफिकली कंफर्ड विद द पावर ऑफ रिव्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हाई कोर्ट ऑल्सो हैज द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर और डिसीजन इवन दो नो स्पेसिफिक पावर ऑफ रिव्यू इज कंफर्ड ऑन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. 70 ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कि इसमें दोनों गलत है क्योंकि ही इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट. During his term of office, he is immune from any criminal proceeding, even in respect of his personal act. He cannot be arrested or imprisoned. Or, do galat hai kyunki, however, after giving 2 months' notice, civil procedure can be initiated against him during his term of office in respect of his personal act. Phir VVPAT ke baare mein ki it allows a voter to challenge his or her vote on the basis of the paper received. VVPAT is an independent system attached with the EVM that allows the voter to verify that the votes are casted as intended. When a vote is cast, a slip is printed and remain exposed to a transparent window for 7 seconds, however, showing the serial number, name and symbol of candidate. Thereafter, the receipt automatically gets cut and falls into sealed drop box of the VVPAT. इसलिए statement 2 गलत है. Statement 3 गलत है क्योंकि the law for using VVPAT was amended in 2013. In 2013, the Supreme Court of India permitted the Election Commission of India to introduce VVPAT in a phased manner, calling it an indispensable requirement. तो सबसे पहले यूज हुआ था ये नॉक्सन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में नागालैंड में 2013 में. 72 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन लोकल बॉडीज आर क्रिएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर. तो ये होगा टाउन एरिया कमेटी और स्पेशल पर्पस एजेंसी. कैंटोनमेंट बोर्ड जो है इट इज सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 लेजिस्लेशन इनएक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कैंटोनमेंट बोर्ड इज क्रिएटेड एज वेल एज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. टाउन एरिया जो है ये इट इज क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. फिर पोर्ट ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स. फिर स्पेशल पर्पस एजेंसी है. स्टेट्स हैव बीन सेट अप सर्टेन एजेंसीज टू अंडरटेक डेजिग्नेटेड और स्पेसिफिक कंडीशंस. फिर 73 है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ उसमें मैंडेटरी रिजर्वेशन किसको है. तो SC को है, ST को है, वुमेन को है. ठीक है.
The Act authorizes legislature of a state to make any provision for reservation of seats in any panchayat or offices of the chairperson in the panchayat at any level in favor of backward classes, but ये mandatory नहीं है. फिर 75 की जो जोनल काउंसिल है वो एक स्टैचुटरी बॉडीज है जो कि इस्टेब्लिश हुए अंडर स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. द होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द फाइव जनरल काउंसिल. इट चीफ मिनिस्टर एक्ट्स एज वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ वन ईयर एट अ टाइम. इसलिए दो गलत है. फिर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट. टू पार्लियामेंट कर सकता है ये. फिर 77 है कि रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी ग्रांट्स गिवन अंडर आर्टिकल 275 है कि दे आर गिवन बाई प्रेसिडेंट टू द स्टेट्स विच आर नीड ऑफ फिनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू एवरी स्टेट. दूसरा है कि दे आर गिवन टू द स्टेट्स अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द फिनांस कमीशन. आर्टिकल 232 है जो एम्पावर करता है सेंट्रल स्टेट को टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पर्सन इवन इफ इट इज नॉट विद इन द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस. 78 है कि इफ अ पर्सन फेल्स टू इंटीमेट हिज चॉइस ऑफ द हाउस विद इन 10 days ऑफ बिंग इलेक्टेड टू बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या होगा? उसका सीट जो है राज्यसभा में वो वेकेंट हो जाएगा. इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू टू हाउस सीट्स इन अ हाउस ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर वन, अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम वैकेंट. इफ अ पर्सन इज इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वैकेंट. फिर 79 है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज फॉर बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल. स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि सिंस अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस बोथ द of both the Supreme Court and High Court is President, a judge can resign from his office by writing to the President. 80 है कि the Speaker Pro Tem of the Lok Sabha is कौन है, तो वो appoint होता है President के द्वारा. फिर which of the following economic activities is it mandatory to consult for Gram Sabha under PESA Act 1996? तो ये होगा land acquisition, दूसरा होगा grant of माइनिंग लाइसेंस फॉर माइनर मिनरल्स, तीसरा होगा एसर्टिंग ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. 82 है कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन रूरल पंचायत से रिलेट करता है. दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट फिनांस कमीशन जो है हर 5 साल में होगा, ये कंपल्सरी प्रोविजन है पार्ट 9 में. और जो ऑथराइजिंग जो फिनेंशियल पावर टू द पंचायत दैट इज ऑथराइजिंग देम टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट ड्यूटीज, ये वॉलेंट्री प्रोविजन है, कंपलसरी प्रोविजन नहीं है. फिर 83 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द सॉवरनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट बाय रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू. डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है बिकॉज हाउएवर दिस प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, विच मीन्स दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर द वायलेशन. Hence, they don't limit the sovereignty of the parliament. फिर पार्लियामेंट टूल कंगारू एंड गुलीतों जो है वो किससे एसोसिएटेड है, वो क्लोजर मोशन से एसोसिएटेड है. तो अलग अलग है, क्लोजर पर कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर, गुलीतों क्लोजर, इसलिए डी है ऑप्शन. फिर डेलिमिटेशन कमीशन का है कि द ऑर्डर्स ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में. 1 and 3 are not correct. After every census, a readjustment is to be made in allocation of seat in the Lok Sabha to the state or division of each state into territorial constituency. Parliament is empowered to determine the authority and manner in which it is to bid. Accordingly, the Parliament has enacted Delimitation Commission Act 1992, 1962, 1972 and 2002 for this purpose. Isliye ye ek statutory body hai. If the constitution declares that the validity of any law relating to the delimitation of constituency or allotment of seats to such constituency cannot be questioned in any court. 86 है adjournment motion related की, ये एक extraordinary device है available जो कि लोकसभा में है to raise a matter of urgent public notice importance. और तीसरा सही है कि it should not revive discussion on a matter that has already been discussed in the session.
स्टेटमेंट टू इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है अटेंशन के लिए, क्योंकि डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स एडमिट करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हेंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है, फिर रीज़न क्या है इनफेक्टिवनेस के लिए पार्लियामेंट का, तो वो है एक है लार्ज साइज ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा इंक्रीज इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तीसरा इंक्रीज रिकोर्स टू गुलिटोन। तो फिर 88 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट, पहला है कि एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसर्व, दूसरा वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, एंड चौथा एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्ट नहीं है बजट का। ठीक है, फिर 89 है कि इलेक्शन पेटिशन रिलेटेड, कि इलेक्शन पेटिशन कैन ओनली बी फाइल्ड इन द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, इफ एन इलेक्शन पेटिशन इज अपहेल्ड इट कैन लीड टू रीस्टेजिंग ऑफ द इलेक्शन इन दैट कंस्टिट्यूएंसी। स्टेटमेंट वन कलेक्ट नहीं होगी, गलत है, क्योंकि एनी इलेक्टोरल कैंडिडेट कैन फाइल एन इलेक्शन पेटिशन इफ ही और सी थिंग्स देयर हैज बीन मेल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इलेक्शन। It is not an ordinary suit, civil suit, but treated as a contest in which the whole constituency is involved. फिर 90 है कि नॉमिनेशन पेपर ऑफ द लोक सभा सीकिंग इलेक्शन टू द लोक सभा शुड फर्निश विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक तो कि whether the candidate has been convicted or acquitted or discharged in any criminal or offense in the past, दूसरा कि asset of his or her spouse and assets of a dependent, तीसरा educational qualification of the candidate, ये सब होना चाहिए। सोर्स क्या है रेवेन्यू का, म्यूनिसिपल बॉन्ड का, वो है एक प्रोफेशनल टैक्स, दूसरा टॉल चार्जेस ऑन न्यू ब्रिज, तीसरा एडुकेशनल सेस, चौथा वाटर चार्जेस, ये सब रेवेन्यू है, रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू। 92 क्वेश्चन है, मैच करना है जो इलेक्ट्रल द इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसका काम होता है प्रिपेयर करना इलेक्ट्रल रोल्स फॉर पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिस जो है वो इज ऑथराइज टू सुपरवाइज द इलेक्शन वर्क एट द स्टेट लेवल, स्टेट यूनियन टेरिटरी, सब्जेक्ट टू ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कंसर्नड। ठीक है, फिर 93 की विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द राइट्स to participate and speak in the proceeding of either house of Indian Parliament, तो होगा वो minister who are not member of either house, और दूसरा attorney general। ठीक है, hence option A is the correct answer। फिर 94 है कि with reference to the election, a candidate cannot contest from more than two parliamentary or assembly constituency at a general election, दूसरा है कि a person who is convicted for the offence of insulting the national flag is disqualified to the contest in the election to the parliament and the state legislature, and for statement 2 galat hai ki on the death of a candidate, early in case of death of a contesting candidate before actually poll, the election used to be countermanded, but now the election would not be countermanded on the death of a contesting candidate before the actual polling, however if the deceased candidate belonged to a recognized political party, the party concerned would be given an option to propose another candidate within 7 days। फिर cooperative federalism ke bare mein hai ki यह इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू प्रमोट है, फिर प्रेजेंस ऑफ राज्यसभा के थ्रू प्रमोट होता है, दूसरा गलत है क्योंकि इन इंडिया देयर इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लॉज। 96 है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, कि देर आर नो प्रोविजन फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर एंजॉयड कलेक्टिवली एंड नॉट इंडिविजुअली। 97 है कि Which of the following may act as president when a vacancy occurs in the office of president? एक है vice president, दूसरा है chief justice of India। 98 है state legislative council का, कि the constitution of India जो है उसने fix किया maximum and minimum strength of the state legislative council, और दूसरा कि majority of the members of the council are indirectly elected। दूसरा है कि the state legal service authority or the district legal service authority or the supreme court legal services committee or the high court legal service committee or the taluk legal service committee may organize local adalat at such intervene। अच्छा ये 98 हुआ, 98 सॉरी।
मैंने गलत कह दिया, 98 सी होगा, 1 और 3 गलत, तो 1 एंड 3 सही। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट, क्योंकि द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 99 है कि लोक अदालत के बारे में, कि इट हैज़ बीन गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। दूसरा है कि लोक अदालत में भी ऑर्गेनाइज्ड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तीसरा है कि एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत फाइनल और बाइंडिंग होगा ऑन ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट। 100 है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में, क्या है ये, तो इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इंस्ट्रूमेंट रेज्ड व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर।